ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो च महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगमय गोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार, कानन कुंडल सिर जटा अंग बभूति अपार, सिद्ध पुरुष योगेश्वरो द्यो हम को उपदेश, हर समय सेवा करूं सुबह शाम आदेश आदेश। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। सभी भक्तजनों, आज हमारे विश्व के अंदर में सभी प्राणियों पर, सभी मनुष्य योनियों पर जो संकट छाया हुआ है, उस संकट को परास्त करने के लिए हमने एक उपाय करना है, वो आप लोग को करना जरूरी है। जैसे कि पहले प्रभु भगवान देवताओं के सभी पाप हरण करने के लिए माता प्रकट हुई, इसी प्रकार जब देवताओं पर कई प्रकार के संकट आके पड़ गए, सारे देवता इधर उधर भाग करके कोई पहाड़ों की गुफा में, कोई कंदराओं में, कोई पर्वतों में जाके छुप गए राक्षसों के प्रभाव के कारण, दुष्टों के आक्रमण के कारण। इसी प्रकार ये एक जो भी वायरस चल रहा है, ये एक दुष्टों का रूप है, तो इस दुष्टों से हमें शांति पाने के लिए हमें माँ भगवती की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वो किस प्रकार, आप सारे घर परिवार के मिलकर के घर के अंदर में शुद्ध हालत के अंदर में, शुद्धता की हालत के अंदर में 1,00,000 जाप, माई का बीज मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इस जाप का आप सारे कुलवे मिलकर के, परिवार के लोग मिलकर के 9 रात्रि 9 दिन का 1,00,000 जाप पूर्ण करें। इस प्रकार से यदि आप ये जाप करेंगे, एक घर में यदि 1,00,000 जाप होगा 9 दिन में, तो 100 घर में समझ लो आप 1 करोड़ हो गया। तो अब सभी आप लोग ध्यान में करो कि इतना जाप होने के बाद माई हमारे पर पूर्ण कृपा करेगी, और जो हमारे देश पर संकट पड़ा हुआ है, सारे विश्व पर संकट पड़ा हुआ है, उस संकट को माता रानी अवश्य दूर करेगी। इस समय श्री नवरात्रा प्रारंभ हो रही है कल से, तो इस नवरात्रा के प्रारंभ होते ही आप लोग यह जप, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और 1,25,00,000 बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। आप सभी देशवासियों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मैं कि आप लोग इस माँ की कृपा से आप अवश्य ही इस रोग से छुटकारा पाएंगे। बोलिए जति गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। ठीक है।